हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कलेजी की इतनी जायकेदार, इतनी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपके घर में कोई कलेजी नहीं भी खाता है ना, तो वो भी चटकारे मार के कलेजी खाएगा। और अगर आपको कलेजी बहुत पसंद है तो आप कलेजी के दोगुना ज़्यादा दीवाने हो जाएंगे। इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट इसकी बोटियाँ होंगी। और इसकी जो मैं ग्रेवी बनाऊँगी, ग्रेवी का तो जवाब भी नहीं होगा, इतनी टेस्टी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और बेस्ट ग्रेवी वाली कलेजी बनाना करते हैं स्टार्ट। आप इसे बकरीद, ईद, किसी भी फेस्टिवल पे या घर आए मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक वैसल में 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद आधे चम्मच हम यहाँ पे ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद में मैं 6 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को मैंने ऐड कर दिया है ऑयल में। अब यहाँ पर प्याज को हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्याज को फ्राई करना है, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। अगर आपको इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे बीच बीच में मिक्स करना ज़रूरी है ताकि प्याज जले नहीं, इक्वल कलर आए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस हमें प्याज को सॉफ्ट करना है, बाकी ज़्यादा हमें इसे नहीं गलाना, बस सॉफ्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट होगी और आपकी कलेजी जल्दी बनेगी। तो मैंने नमक यहाँ पर ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से नमक को मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे ढक के पका रही हूँ। तो मैंने इसे 3 मिनट ढक के पकाया है। इससे क्या होगा, जो प्याज है वो सारा पानी को रिलीज़ कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं प्याज में काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है। तो अब बिल्कुल हाई फ्लेम पे 2 मिनट इसे और भून लेंगे तो प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाएगी। तो देखिए प्याज हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भून रही है। फिर से मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर करके मैं इसको हाई फ्लेम पे और भी अच्छे से भून रही हूँ। तो परफेक्टली अब हमारी प्याज जो है परफेक्टली भून चुकी है। थोड़ी सी कसर रह गई थी तो मैंने सोचा 2 मिनट और भून लेते हैं। बस अब प्याज हमारी परफेक्टली भून चुकी है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को बिल्कुल नहीं भूनना है, ऐसे ही प्याज हमारी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे, एकदम सॉफ्ट हो जाए प्याज, बस इतना हमें इसे भूनना होता है। क्योंकि कलेजी के अंदर जो टेस्ट होता है, जायका होता है, वो प्याज का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और प्याज को फ्राई करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा 1 किलो कलेजी ली है जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मटन की कलेजी ले रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में मैंने कलेजी को कट कर लिया है। अब कलेजी को बहुत से लोग हैं जो जिन्हें कलेजी खाने में स्मेल आती है, इसलिए वो कलेजी नहीं खाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, 3 मिनट तक इसे प्याज के साथ में हाई फ्लेम पर जो है भून लें। तो मैंने प्याज के साथ इसे हाई फ्लेम पर भूनने के लिए रख दिया था। कलेजी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और अगर आपके पास ज़्यादा भूनने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी मसाले ऐड कर सकते हैं, तब भी जो है बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है इसमें। प्याज का पेस्ट ऐड करके मैंने इसको मिक्स नहीं किया था, बस ऐसे ही कवर करके 2 मिनट तक और पका लिया है। अब फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे प्याज के पेस्ट को इसमें, और हाई फ्लेम पर ही हम पकाएंगे ताकि हमारा कुकिंग टाइम बचे और हमारी कलेजी जल्दी से बन के तैयार हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, यानी 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। और चाट मसाले पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। चाट मसाला पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करके मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। अब देखिए मसाले यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भुनने लगे हैं और ऑयल सेपरेट होने लगा है। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है।
तो मुझे मिर्च थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने हाफ टी स्पून मिर्च जो है और ऐड कर दी है और फिर से इसको मिक्स कर दिया है और कवर कर दिया है गैस की फ्लेम को, एकदम मीडियम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पहले मसाला हमें इतने परफेक्टली भून लेना है। तो आप देख सकते हैं पूरा ऑयल जो है सेपरेट हो चुका था, तो मसाले हमारे परफेक्टली भून चुके हैं। ऐसे ही मसाले परफेक्ट भुने होने चाहिए तभी कलेजी बहुत टेस्टी बनती है। अब हमें कलेजी को अच्छे से गलाना है तो मैं यहाँ पर पूरे 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी। 3 ग्लास पानी ऐड करके मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाऊँगी ढक के, कम से कम 5 मिनट में इसे हाई फ्लेम पर ढक के पका रही हूँ। बस इसे बीच बीच में मैं 1-2 बार मिक्स करती जा रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। बीच में मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जले नहीं, वरना ये सरफेस से लग जाएगी और जल जाएगी, इसलिए मैं बीच में इसे मिक्स कर रही हूँ। तो नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैं नमक और ऐड कर दिया है टेस्ट करने के बाद। तो पहले आप टेस्ट कर लें, नमक अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, कलेजी हमारी भून गई है और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी भी बनके तैयार हुई है। फ्रेश फ्रेश मैंने धनिया का पत्ता ऐड कर दिया है कट करने के बाद में। धनिया के पत्ते से इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू आने लगती है कलेजी में। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप देख सकते हैं इतनी जायकेदार लजीज कलेजी बनके तैयार हुई है, इसकी ग्रेवी भी बहुत यम्मी है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। सच में जब मैंने इस रेसिपी घर पे बनाया तो सब ने मेरी तारीफ़ करते नहीं थके, क्योंकि इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कलेजी को आप चावलों के साथ भी शौक से खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, चाहे तो तंदूरी रोटी के साथ या बटर नान के साथ या फिर चपाती रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।